80 के दशक के रोमांटिक एक्टर्स की जब भी बात होती है तो दो चेहरे सबसे पहले जहन में आते हैं, गोविंदा और चंकी पांडे। एक्शन फिल्मों के उस दौर में दोनों ही एक्टर को एक जैसे किरदार और एक जैसे फिल्में मिला करती थी। यहाँ तक कि दोनों की जोड़ी भी एक ही एक्ट्रेस नीलम के साथ ज्यादा दिखाई देती थी। एक तरफ गोविंदा जहाँ फिल्मों में लगातार सक्रिय रहे, तो वहीं चंकी पांडे 90 के दशक की शुरुआत में ही बॉलीवुड से दूर हो गए थे। हालांकि बाद में वे एक नए अंदाज के साथ लौटे और बतौर कॉमेडियन अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज का बच्चा बच्चा भी उन्हें देख कर यही कहता है, मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंकी पांडे के जीवन और उनके फिल्मी करियर के बारे में, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। दोस्तों, आज के दर्शक भले ही चंकी पांडे को एक सपोर्टिंग और कॉमेडियन एक्टर के तौर पर जानते हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उस दौर के नौजवान चंकी पांडे के दीवाने हुआ करते थे। सूरज, तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी, अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूँ। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा। ओ काले कुर्ते वाले, तेरा नाम तो पता नहीं, तेरा होटल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है और मैं मुसलमान बनकर आया हूँ। पहले बुल्लू को बचाइए, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? और उसकी याददाश्त चली गई है। सो गया ये जहां, सो गया। नेपाली लोग का पैसा खा के किधर सोएगा? मेरे को मेरा अफगानी बाप और नेपाली बाप का कोसम देखो नहीं छोड़ेगा। वो सुपरे बुढ़े। एक टीवी प्रोग्राम के दौरान कोरियोग्राफर से फिल्म डायरेक्टर बनी फराह खान ने भी बताया था कि कभी वे भी चंकी पांडे से दिल ही दिल में प्यार करती थी। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्मे चंकी पांडे का असली नाम श्वेत शरद पांडे है। उनके पिता डॉक्टर शरद पांडे फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट थे, जो भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले सर्जनों की टीम में भी शामिल थे। चंकी की माँ डॉक्टर स्नेहलता पांडे भी एक डॉक्टर थी। चंकी के एक भाई हैं चिक्की पांडे, जिनका असली नाम आलोक शरद पांडे है और वे एक बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, चंकी जब छोटे थे तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उनको भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। बचपन में वे अक्सर अपनी माँ के साथ क्लिनिक पर जाते और कंपाउंडर की तरह दवाइयों की पुड़िया बनाते, साथ ही माँ के साथ साथ उनका मेडिकल बॉक्स उठाकर मरीजों के घर भी जाया करते थे। अपने इंटरव्यूज में चंकी अक्सर मजाकिया लहजे में बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गए और MBBS की जगह उन्हें MBBF यानी मैट्रिक में बार बार फेल की डिग्री मिल गई। बाद में उन्होंने एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने का मन बना लिया। बॉलीवुड में आने से पहले चंकी ने 1986 में मधुमती एकेडमी ऑफ फिल्म डांसिंग एंड एक्टिंग में एक्टिंग सीखा और बतौर इंस्ट्रक्टर वहाँ काम भी किया। साल 1986 में वे अपने जूनियर रह चुके अक्षय कुमार को भी एक्टिंग और डांस सिखा चुके हैं। फिल्मों में चंकी ने बतौर नायक साल 1987 में फिल्म आगियाग से डेब्यू किया। हालांकि साल 1981 में वे एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में फिल्म रॉकी के गीत रॉकी मेरा नाम में दिखाई दिए थे, जिसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया गया था। आग ही आग एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और उस फिल्म की नायिका उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस नीलम थी, जिनके साथ उनकी जोड़ी काफी हिट हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता पहलाज निहलानी ने अभिनेता चंकी पांडे को इस फिल्म के साथ ही अपनी आगामी फिल्म पाप की दुनिया के लिए भी साइन कर लिया था और दोनों फिल्मों की सफलता से देखते ही देखते चंकी पांडे ने लगभग 20-22 फिल्में साइन कर ली थी। दरअसल उस दौर में गोविंदा नए नए हिट हुए थे और ढेरों फिल्मों में एक साथ काम करने से और नई फिल्में नहीं साइन कर सकते थे। ऐसे में निर्माताओं को चंकी के रूप में गोविंदा का एक सही ऑप्शन मिल गया। खैर, चंकी की दो और फिल्में रिलीज होने के बाद साल 1988 में यनचंद्रा की फिल्म तेजाब आई, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने अहम रोल निभाया था। इस फिल्म में चंकी पांडे का सपोर्टिंग रोल था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में उन्होंने अनिल कपूर के दोस्त की भूमिका निभाई थी और उन पर फिल्माया गीत सो गया ये जहां बेहद मशहूर हुआ। इस भूमिका के लिए चंकी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। दोस्तों, चंकी पांडे हंसी मजाक करने के आदी हैं और अक्सर उनके साथी कलाकार भी उनसे मस्ती करते ही रहते हैं। चंकी के साथ एक बार ऐसी ही मस्ती सनी देओल ने की थी, जिससे चंकी को उस देर के लिए उनसे थोड़े नाराज भी हुए थे, लेकिन अब इसी घटना को वे मजे लेकर सुनाते हैं। दरअसल यह पूरा मामला साल 1992 का है, जब सनी देओल और चंकी पांडे साथ में विश्वात्मा फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म की काफी शूटिंग नैरोबी में हुई थी, जहां से लौटते वक्त चंकी ने कई पैकेट विदेशी सिगरेट खरीद ली थी। फिल्म का शेड्यूल खत्म होने के बाद जब सभी फ्लाइट से भारत लौट रहे थे, चंकी भी फ्लाइट में आराम से सो रहे थे। अचानक किसी ने उन्हें जगाया और बताया कि सनी फ्लाइट में सबको सिगरेट बांट रहे हैं। क्योंकि सनी सिगरेट नहीं पीते, इसलिए चंकी ने अपने बैग में ढेर सारे सिगरेट होने के बावजूद सोचा कि वे भी अपना हिस्सा क्यों गवाएं, और उन्होंने भी सनी से सिगरेट की पैकेट ले ली। थोड़ी देर बाद चंकी को पता चला कि किसी ने उनकी ही सिगरेट बाकी लोगों को बांटी है। चंकी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और वे वहीं सनी पर चीखने चिल्लाने लगे।
फिर सनी उनके पास आए और बोले, तुम्हें दयालु होना चाहिए, अगर कोई चीज तुम्हारे पास ज्यादा है तो उसे शेयर करना चाहिए। खैर सनी के समझाने के बाद चंकी का गुस्सा तो शांत हुआ, लेकिन जैसे ही फ्लाइट रुकी और सनी के उतरते ही चंकी एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े हो गए और सबसे अपनी सिगरेट वापस ले ली। दोस्तों चंकी भारत के मशहूर एक्टर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के सुपरस्टार भी हैं और उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। 90 के दशक में चंकी के कुछ सालों तक हिंदी फिल्मों से अचानक गायब होने और बांग्लादेश में काम करने की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल इस दौरान सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स का बोलबाला था। ऐसे में चंकी को हीरो के भाई या अन्य सपोर्टिंग रोल ही ऑफर किए जा रहे थे, जो चंकी को करना नागवार गुजरा। ताजुब की बात है कि साल 1993 में आंखें जैसी हिट फिल्में देने के बाद भी चंकी के पास कोई खास काम नहीं था। एक इंटरव्यू में चंकी ने बताया था कि आंखें के बाद साल भर तक मैं घर बैठा रहा, मेरे पास तीसरा कौन नाम की एकमात्र फिल्म थी, इसलिए जैसे मुझे बांग्लादेश में काम करने का मौका मिला तो मैं वहां चला गया, जहां मेरी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, जिसके बाद मैं 3-4 साल तक वहीं काम करता रहा। चूंकि चंकी को बांग्ला भाषा नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज को डब किया जाता था। उनकी बांग्लादेशी हिट फिल्मों में स्वामी केनो असामी, बेस कोरोची प्रेम कोरोची और मेरा अमानुष आदि प्रमुख फिल्में हैं। इसी दौरान चंकी की शादी हुई और बांग्लादेश में व्यस्त होने के कारण हनीमून के लिए वे अपनी पत्नी को बांग्लादेश ही लेकर गए, जहां उनकी लोकप्रियता को देखकर उनकी पत्नी ने कहा, आपकी जो भी यहाँ पहचान है वो बॉलीवुड की वजह से ही है, आप यहाँ पर सुपरस्टार हैं तो बॉलीवुड की वजह से ही हैं, इसलिए आपकी जगह यहाँ नहीं बॉलीवुड में है। जिसके बाद चंकी इंडिया वापस आ गए। हालांकि 7 साल बांग्लादेश में बिताने के बाद चंकी को भारत में लोग भूल चुके थे। चंकी बताते हैं कि अक्सर बच्चे उनसे पूछते कि अंकल आप पहले फिल्मों में काम करते थे क्या, ऐसे में चंकी को बहुत तकलीफ होती। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो ऐसे रोल करेंगे जिन्हें बच्चे भी खूब पसंद करेंगे। साल 2003 में चंकी ने कयामत और ऐलान जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में वापसी की। इन फिल्मों में लोगों ने उनके रोल को खूब पसंद किया। चंकी बताते हैं कि बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी में उन्हें लोगों के ऑफिस में जाकर काम मांगना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें हाउसफुल जैसी फिल्में मिली। हाउसफुल सीरीज के अलावा चंकी अपना सपना मनी मनी, पेइंग गेस्ट, दे धनाधन, बुलेट राजा, बेगम जान और साहू जैसी दर्जनों फिल्मों में तरह तरह के किरदारों में नजर आ चुके हैं। हालांकि चंकी के सबसे खास किरदार की बात की जाए तो वो है हाउसफुल का किरदार आखिरी पास्ता, जो आज उनकी एक पहचान भी बन चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान चंकी पांडे ने अपने इस किरदार के बारे में बात करते हुए बताया था कि हाउसफुल के पहले भाग में साजिद खान को खुद ही आखिरी पास्ता की भूमिका करनी थी। सबने उनसे कहा था कि आप इस किरदार के लिए अच्छे हैं और इसे निभा भी सकते हैं। इसी दौरान एक पार्टी में वो मुझसे मिले और कहने लगे कि यार मुझे एक रोल करना है जो आखिरी पास्ता के नाम से है, लेकिन मैं फिल्म का डायरेक्शन और एक्टिंग एक साथ नहीं कर सकता, क्या तुम ये किरदार निभाना चाहोगे? चंकी ने भी तुरंत हाँ बोल दिया। दोस्तों एक इंटरव्यू में चंकी पांडे ने बताया था कि इस किरदार का नाम अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता के टाइटल से ही लिया गया था और उसका लुक व अंदाज भी उन्होंने अमित जी की एक और फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के मार्कोनी के किरदार से लिया था, जिसे एक्टर सुजीत कुमार जी ने निभाया था। दोस्तों अपनी दूसरी पारी में चंकी ने न सिर्फ कॉमिक रोल करके लोगों को हंसाने का काम किया बल्कि नेगेटिव किरदारों के जरिए लोगों को डराने का काम भी किया है। भला कौन भूल सकता है साल 2019 में आई फिल्म साहो में उनके द्वारा निभाए देवराज के किरदार को, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल एक्टर प्रभास की इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा नेगेटिव किरदार निभाया था जो उनका अब तक का सबसे खौफनाक किरदार है। हालांकि इस किरदार की वजह से एक बार उन्हें मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था। IBT टाइम्स की खबर के मुताबिक चंकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म से मुझे जैसा रिस्पांस मिला उसे देखकर मैं हैरान हूँ। हाल ही में जब मैं कहीं गया हुआ था उस समय एक आंटी चप्पल लेकर मुझे मारने आई। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने आपके साथ क्या किया है? इसके जवाब में आंटी ने कहा, आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया है लेकिन आपने बाहुबली यानी प्रभास का गला निचोड़ दिया। चंकी आप बहुत कमीने हो, आपको पहले बहुत पसंद करते थे लेकिन आप अब दुष्ट हो गए हो। चंकी कहते हैं कि इस तरह के रिस्पांस भी मुझे मिले हैं। इस फिल्म में काम करने को लेकर चंकी बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह किरदार ही मेन विलन होगा। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी फिल्म बेगम जान देखी थी, जिसमें उनका किरदार बहुत ही खतरनाक था, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर सुजीत ने चंकी को फोन पर अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया और चंकी को 2 सीन भी सुनाए, जिसे सुनकर चंकी ने उस समय हाँ कर दिया था। दरअसल चंकी समझ गए थे कि फिल्म में ग्रे कैरेक्टर तो काफी हैं लेकिन फुल डार्क कैरेक्टर उनका ही है। दोस्तों यह किरदार इतना हिट हुआ था कि साहू की रिलीज के 2-3 दिन बाद ही चंकी को 3 फिल्मों के ऑफर भी आ गए थे, जिसमें से 1 बॉलीवुड और 2 साउथ की फिल्में थी। बाद इनके नेगेटिव किरदारों की हो रही है तो वेब सीरीज अभय सीजन 2 में इनके सीरियल किलर की भूमिका को कैसे भुलाया जा सकता है। मात्र एक ही एपिसोड में दिखे चंकी सब पर भारी पड़े थे। चंकी फिलहाल हिंदी और बंगाली के अलावा गुजराती, मराठी और तमिल आदि भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों फिल्मी दुनिया में कभी कभी
बड़े अजीबोगरीब किस्से हो जाते हैं जिन्हें सुनकर ताज्जुब भी होता है और हंसी भी आ जाती है। साल 2009 में एक ऐसा ही किस्सा चंकी पांडे के साथ भी हुआ था, जब चंकी को एक बार किसी अजनबी की मौत पर मातम मनाने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई थी। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेताओं को शादियों, जन्मदिन पार्टियों आदि में आमंत्रित किया जाना आम बात है, लेकिन चंकी को एक बार एक कारोबारी ने अंतिम संस्कार में आने के लिए आमंत्रित किया और बदले में 5 लाख रुपए भी ऑफर किए, जिसे चंकी ने ठुकरा दिया। चंकी का कहना था कि उस परिवार के लोग चाहते थे कि मैं जाकर थोड़ा रोऊं और पूरे अंतिम संस्कार में एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो घर के मेहमानों पर असर डालना चाहते थे। लोगों को लगना चाहिए था कि उनके परिवार ने भी फिल्मों में निवेश किया है और इस वजह से वे कुछ लोगों को उधार नहीं दे पाएंगे। चंकी पांडे ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि 5 लाख रुपए ऐसे काम के लिए छोटी रकम नहीं है जहां उन्हें एक जगह खड़ा होना था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अपनी जगह किसी और को भेज दिया। दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ चंकी पांडे मुंबई में अपनी पत्नी भावना के साथ एक हेल्थ फूड रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम से उनकी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो स्टेज शोज का आयोजन करती है। साल 1988 में चंकी पांडे ने कास्टम डिजाइनर भावना से शादी की, जो उम्र में चंकी से 12 साल छोटी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे वो भावना से पहली बार मिले थे। दरअसल 25-26 साल पहले दिल्ली में मिस इंडिया के पहले राउंड को जज करने के बाद चंकी मुंबई के लिए अपनी उड़ान मिस कर गए थे, जिसके बाद वे एक डिस्कोथेक में चले गए जहां उनकी मुलाकात भावना से हुई। मजे की बात, जब भावना ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया तो उनके पास कागज या कलम नहीं था, लेकिन चंकी को नंबर जुबानी याद हो गए। एक महीने बाद फिर चंकी दिल्ली आ गए और भावना के घर फोन किया तो पता चला कि भावना विदेश चली गई हैं। चंकी को लगा कि शायद उनकी प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि भावना एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ ही महीनों के लिए विदेश गई थी। चंकी बताते हैं कि मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था और वह जर्मनी के लिए एक लंबी उड़ान पर थी। मुझे एहसास हुआ कि ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। एक दिन एक कॉमन फ्रेंड ने उनसे बताया कि भावना मुंबई में है और लीला होटल में ठहरी है। बस फिर क्या था, चंकी होटल जा पहुंचे और शादी के लिए भावना को प्रपोज कर दिया, जिसे भावना ने भी स्वीकार कर लिया। चंकी और भावना की 2 बेटियां हैं, अनन्या और रयासा। फिलहाल अनन्या 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।